हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि समस्या है, ये समस्या हाईवे पे भी है। हाईवे तो हमको ज्यादा डर लगता है, नहीं तो चौराहे चौराहे को लगेगी। अरे भाई चौराहे पे पुलिस वाले धीमा कर लेंगे, फिर सोचेंगे यहाँ का तो है, अगर फिर आएंगे फिर मालूम चले आप लोग देखेंगे कहीं अरे और दो टाइम चौरा रहा है, फिर एक टाइम चुराएगा और ऐसा है ना नुकसान आता है। बच्चे तुम भले प्रत्येक दिन गाड़ी चलाते हो हम नहीं बोलते, लेकिन त्यौहार के दिन इसलिए नहीं क्योंकि उससे लोगों को बड़ा दुख होगा। सब त्यौहार के दिन निकलते हैं तो बड़ा सोच निकलते हैं यार त्यौहार अच्छे से हो जाए। त्यौहार के समय अपन भगवान से मनाते हैं, किसी त्यौहार जीवन भर लोग नहीं मनाते हैं जब दुर्घटना हो जाता है किसी घर में, तो ऐसे भी नियंत्रण अपने आप को रखना चाहिए। कहीं पर कोई नाते रिश्तेदार भाई देखो आराम से, ये बड़ा त्यौहार के दिन खुशी से और कम से कम उसको। अयोध्या कोटाली जो मीटिंग हुई है इसके संबंध में थी, आज 28 तारीख को 28 अप्रैल को हमारे आगामी शबे बारात का त्यौहार है, मुस्लिम बंधुओं में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। रात को लोग अपने मजार और जो उनके कब्रिस्तान होते हैं, मस्जिद होता है और ईदगाह होता है, हर जगह ये सब बिजली से लाइट से सब सजाते हैं, मोमबत्ती जलाया जाता है, कब्रिस्तान वगैरह में लोग अपना पुण्यतिथि मनाते हैं और रात भर हमारे हिंदू मुस्लिम भाई और भी जो औरतें हैं बच्चियां हैं सब घूमती हैं पूरे हमारे फैजाबाद अयोध्या शहर में। सभी मुस्लिम भाई बंधु सड़क पर एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और तमाम मस्जिद और ईदगाह और मजार पर घूमते हैं। तो 1 तारीख को शाम के 6 बजे से नमाज के बाद और अगले दिन 4 बजे तक नमाज तक ये होना है। इस संबंध में हमारे कोतवाली अयोध्या में कोतवाली क्षेत्र के जितने भी मुस्लिम बंधु हिंदू हमारे सम्मानित भाई बंधु थे सबके साथ मीटिंग की गई। सभी जगह के जो भी छोटे मोटे समस्याएं थे सबको नोट किया गया, हमारे जल निगम से और हमारे नगर निगम से भी लोग थे इनको नोट करवा दिया गया। जगह जगह हमारे पानी के टैंक और साफ सफाई बिजली इसके अलावा लाइट लगाने की बात नोट कराई गई, ये हो जाएगा। ड्यूटी भी जैसे पहले के वर्ष की भांति लगा करती थी लगा रहेगी और हम लोग भी घूम घूम कर सभी जगह वॉचफुल रहेंगे। शरारती तत्वों के लिए क्या किया जाएगा? शरारती तत्वों को हम लोग घूम घूम के पैदल गश्त कर रहे हैं, सबको संदेश दे रहे हैं कि सब खुद अपने आप पर नियंत्रित रखें और जो शरारती तत्व जो बेतहाशा गाड़ी चलाते हैं शराब वगैरह पीते हैं हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं और त्यौहार के दिन तक भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसमें हम लोग चाहेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र के लोग सामने आए और जो ऐसे जगह है जहाँ पर ऐसे शरारती तत्वों का जमावड़ा होता बताएं, हम लोग बेशक वहाँ कार्रवाई करेंगे और पूर्ण रूप से नियंत्रण करेंगे उस पर।